अब दो खबर आपको बताएंगे जिसमें पहली खबर है कि गोलगप्पा खाने वाले अगर आप हैं और आप बहुत पसंद करते हैं तो ये खबर थोड़ी सी आपको चिंतित कर देगी। इधर 3 महीने के लिए आपको गोलगप्पा नहीं खाना है क्योंकि आप बीमारी होने के सबसे नजदीक पहुंच जा रहे हैं। गुजरात में तो गोलगप्पा को बैन कर दिया गया है, उसकी शुरुआत की गई है बड़ोदरा से और यहाँ पर गोलगप्पा बेचने पर ही प्रतिबंध लग गया। प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है कि फूड पॉइजनिंग के सबसे ज्यादा केस गोलगप्पा खाने से होते हैं क्योंकि बरसात के दिनों में गोलगप्पा का जो पानी होता है और जो आलू और जो मटर के मसाले बनाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा बीमारी फैल जाती है और ओपन रूप से इसे बेचा जाता है, इससे भी कई प्रकार के वहां पर पॉल्यूशन तो नहीं माना जाएगा लेकिन खतरा होता है संक्रमण होने का। और संक्रमण इसलिए कि लोगों को ऐसा लगता है कि गोलगप्पा जो आलू होता है वो आप 2-3 दिन पहले से लोग जब ज्यादा जिसका बिक्री होता है वो उसे रख लेते हैं अपने पास में पका करके और उसकी जो मसाला बनाया जाता है उसमें बहुत जल्द बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है और ये जानलेवा हो जाता है। गुजरात में सर्वे में ये बातें सामने आई और गुजरात सरकार ने कहा कि बहुत जल्द ही वो और भी कठोर कदम खान पान को लेकर उठाई है। वहीं दूसरी ओर चाउमीन के ठेले पर भीड़ बढ़ गई है लेकिन वहां भी फूड पॉइजनिंग का उतना ही खतरा है। अगर सरकार द्वारा गोलगप्पा बेचने पर रोक लगाया जा रहा है तो ऐसे सभी चीजों पर रोक लगानी चाहिए जिससे फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ने के बाद लोगों की मौत तक हो सकती है, इसलिए 4 महीने के लिए गुजरात में गोलगप्पा बेचने पर रोक लगा दिया गया है। आने वाले समय में ये उम्मीद की जा रही है कि भारत के दूसरे राज्य में ऐसा स्टेप लिया जाए। एक और खबर साथ में बता देते हैं कि मिस्र में अजीबो गरीब वाक्य हुआ। एक इंटरनेशनल पार्क में एक व्यक्ति ने एक फोटो खींचा और फोटो खींचने के बाद तस्वीर वायरल हो गई तो पता चला कि जिस जूलॉजिकल पार्क में जेब्रा को देखा जा रहा था वो वास्तव में जेब्रा नहीं था बल्कि गधा था। यानी कि जू में अगर दर्शक नहीं आ रहे थे, पर्यटक नहीं आ रहे थे तो जू प्रबंधन ने एक नया फैसला ले लिया और गधे को पेंट करके जेब्रा बना दिया। रातों रात हल्ला हो गया कि इजिप्ट की राजधानी कैरो में जो अंतर्राष्ट्रीय पार्क है वहां पर जेब्रा को लाया गया है, लोग जेब्रा देखने बड़ी संख्या में जाने लगे। एक व्यक्ति को यह अंदेशा हुआ कि जो जेब्रा जिसे कहा जा रहा है उसकी हरकतें गधा वाली है। उन्होंने फोटो खींचा, फोटो खींचने के बाद वायरल कर दिया। वायरल तस्वीर से बातें सामने आई और जांच हुआ तो पता चला कि ये जेब्रा नहीं था बल्कि गधा ही था और गधा को पेंट करके जेब्रा की शक्ल में इसकी मार्केटिंग की जा रही। हमारे साथ आप ऐसे जुड़े रहिएगा, हर अचरज भरी खबर हो या फिर आपके काम की खबर हम आपको बताएंगे और साथ में एग्जाम्स पास करने वाले भी जो खबर होगी, नौकरी से जुड़ी हुई खबर होगी, सारी चीजें आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। हमसे ऐसे ही जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार।